स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हमें पता है आप अच्छे होंगे, लेकिन ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जो गर्म हवाएं चल रही हैं, ये जो थपेड़े हम इसके झेल रहे हैं, सचमुच इसने हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। कई लोग गर्म हवाओं के चक्कर में आ रहे हैं और इसकी चपेट में आने के कारण कई परेशानियां उनके जीवन में आने लगी हैं। कई तरह की समस्याएं इस गर्मी के मौसम में देखने में आ रही हैं, हर तरह की समस्याएं हैं। आज हम बात करेंगे कि इस मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं किन किन तरह की हमारे सामने आ रही हैं और किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, कैसे हम सावधानी बरतें ताकि हम इस मौसम में बीमार ना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, और इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेडिकल ऑफिसर, सदर अस्पताल रांची में कार्यरत हैं डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी को। सर, गर्मी का जो मौसम है, खैर मौसम की बात क्या करें, मौसम तो सभी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। हर तरह का मौसम बदलते रहना चाहिए और बदलते मौसम के साथ हम सावधानियां बरतते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है, मतलब जो अति जिसको कहते हैं, वो सबके मुँह से यही सुनने में आ रहा है कि कब ये गर्मी जाएगी, कब पानी पड़ेगा, कब बरसात होगी, कब थोड़ा सा हमें मतलब उसमें थोड़ा अच्छा लगना शुरू होगा। तो ये तो खैर है ही, लेकिन इस मौसम में सर आप देख रहे होंगे एज अ डॉक्टर, आपके पास भी बहुत सारे मरीज़ आ रहे होंगे कि गर्मी के कारण ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ अभी आपके पास आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? धन्यवाद, आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया, और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मौसम है, जैसे कि अप्रैल महीने से ही लगभग गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती है, और ये अब मई से जून आते आते इस टेम्परेचर पीक पे होता है। तो अभी चारों तरफ ही चर्चाएं हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो टेम्परेचर है पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। जैसे पेड़ वगैरह कट रहे हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस इफेक्ट हैं, उससे भी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल, जो मानव के कारण जो करतूतें हुई हैं, बिल्कुल उसी का ये दुष्परिणाम। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि मानव जीवन इस हाई टेम्परेचर और तेज धूप और जो इसको बोलते हैं लू चलना, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम आम तौर पे जो बोलते हैं ना कि लू लग गया किसी को, तो ये एक्चुअली मैं आज ये बताना चाहूँगा कि लू लगता कैसे है, क्यों लगता है, और जब लू लगता है तो इंसान को क्या करना चाहिए। हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में इसे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, और जनरली जब हम अपने बॉडी को, टेम्परेचर को अगर देखते हैं, तो जब हम हाई टेम्परेचर में बॉडी को एक्सपोज करते हैं, लाइक जब हम तेज़ धूप और बहुत गर्म हवाएं जब चल रही होती है, ऐसे मौसम में जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो वो हवाएं हमें बीमार कर सकती हैं। तो मैं समझ गया डॉक्टर साहब कि इस वक्त आपके पास लू लगने वाले जो मरीज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। मैं अभी ओपीडी में बैठता हूँ तो ऑलमोस्ट एक दिन में 200-300 पेशेंट आते हैं, और उसमें से मोर देन 60% अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो लगभग सभी को लू लगने की ही शिकायत है। किसी को माइल्ड कंप्लेन है, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर भी होते हैं कंप्लेन, तो उन्हें एडमिट करना पड़ता है। बिल्कुल। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसको रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, और ये मेंटेन रहता है। हम अपने बॉडी से स्वेट आउट करते हैं, और जैसे कि थ्रस्ट फील करते हैं पानी पीकर, या फिर जैसे भी हम अपने बॉडी को कूल डाउन करके रखते हैं, तो ये प्रक्रिया है जिससे हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। लेकिन जब हम तेज़ हवा और गर्म धूप में, तेज़ धूप में जब बाहर निकलते हैं, तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो कि 37.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप फॉरेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए नॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा ऊपर राइज कर जाता है। लगभग ये टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि 104 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 106 डिग्री फॉरेनहाइट तक ये बॉडी टेम्परेचर चला जाता है। ये हाई ग्रेड फीवर इसको बोल सकते हैं। बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है,
पेशेंट जो है सो जिन्हें ये लू लगती है, जब ये सीवियर टेम्परेचर जब राइज़ कर जाता है तो कभी कभी वो कन्फ्यूज स्टेट में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी वार्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये अनेकों तरह की चीज़ हैं। मैं इसका विस्तृत रूप से इसका चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर जब लू लगता है तो ये किन लोगों को ये आसानी से लू प्रभावित चपेट में ले सकता है। तो सबसे पहले हम एज ग्रुप बताना चाहूँगा कि ये जो चिल्ड्रेंस हैं बिलो 7 to 8 ईयर्स, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेंस हैं, बच्चे हैं, फिर उसके बाद मोर देन जो 60 ईयर्स, जो इल्डरली पीपल्स हैं, उनको ये काफ़ी उनकी इम्यूनिटी और बॉडी स्ट्रेंथ कम होती है, और जिनके पास को मॉर्बिडिटीज है, लाइक जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और प्रेग्नेंट वोमेन है जो कि उनके अंदर तो एक और जान होता है, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे लोग आसानी से इस लू के चपेट में आ जाते हैं। साथ ही जो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि हाई रिस्क पे हैं, वो कौन कौन हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि जो वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जिनको स्ट्रेनस बॉडी वर्क जो करते हैं, तो वैसे सारे लोग हाई रिस्क पे होते हैं। साथ ही वैसे व्यक्ति जो कि अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जो कुछ लाइक जैसे कि पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहता है बॉडी, वाटर से बहुत अच्छा उनका बॉडी रिसिटेटेड नहीं रहता है, फिर अल्कोहल के साथ साथ बोल सकते हैं कि जो कुछ ऐसे हमारे वर्क का इन्वायरमेंट या फिर ऐसा हम जो वर्क प्लेस होता है वैसा होता है कि प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, उसमें हम बैठकर काम कर रहे हैं, हम एक्सेस स्वेटिंग हो रही है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, रूम अच्छा कूल नहीं है, या फिर हमने जो सनलाइट या जो गर्मी बाहर से रेडिएट होकर आ रही है उसको प्रॉपर सील नहीं किया है, तो वैसे लोग को हाई रिस्क पे होते हैं। और साथ ही जैसे अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि लाइक जैसे मैंने बताया कि ये लू किन लोगों को लग सकता है और ये कैसे लगता है, अब हम परिचर्चा करेंगे कि इसमें क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं। वंस अगर हमें ये हाई टेम्परेचर से और ये गर्म तेज हवाओं के चपेट में हम आ गए, हमें लू लग चुका है, तो हमें किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, हम कैसे प्रारंभिक लक्षण जो प्रारंभिक लक्षण होंगे क्या ऐसे दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक अपना बॉडी काफ़ी वार्म गर्म महसूस होगा आपकी, चूँकि इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाती है तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरा शरीर गर्म हो गया है। उसके बाद क्या होगा, स्वेटिंग होगी, तेज स्वेटिंग होगी, बॉडी को कूल डाउन करने की प्रक्रिया है, स्वेटिंग होने लगती है, फिर क्या होगा आपको जैसे हेडेक हो सकता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, इसमें नौजिया फील कर सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, उसके बाद आप मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, उसके बाद अगर ये स्ट्रोक अगर बहुत तेज है, सपोज दैट बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तो फिर आपको और भी सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं, लाइक आप जैसे कन्फ्यूज्ड स्टेट में दिख सकते हैं, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, फेंट हो सकते हैं जिसको सिनकोप भी बोलते हैं, एंड इस तरह से आपको कन्वल्सन भी आ सकता है, इवन जो कभी कभी तो एक्यूट एंड फेटल कंडीशन हम देखते हैं कि डेथ तक हो जाती अच्छा। है जी, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है जब आपको ये हीट स्ट्रोक अगर इफेक्ट करता है, अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है तो ऐसा मानकर चलना है कि उसे हम एज सुन एज पॉसिबल नज़दीकी किसी अस्पताल में ले जाकर हमें उसे उपचार के लिए ले जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी बताया कि इसके क्या लक्षण होते हैं। अब ऐसा समझ सकते हैं कि ये किस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पेशेंट्स में माइल्ड होते हैं, कुछ में मॉडरेट इफेक्ट होता है, और कुछ में बहुत सीवियर बताया कि कई में तो डेथ भी हो जाया करते हैं, डेथ तक होती है। तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है किसकी इम्यूनिटी कैसी है, कैसे कितना हम उसको झेल रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता होगा कि कितनी देर हमने गर्म हवाओं को उसके थपेड़े हमने खाए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जैसे कि आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग टू व्हीलर्स यूज करते हैं गर्मी के, बहुत तेज धूप और बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, फिर भी वो अपने काम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो बॉडी को कवर करके निकलते हैं प्रॉपर, लेकिन फिर भी जो बॉडी है डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और उनको हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक के वो शिकार हो जाते हैं, लू उनको लग जाता है। हम एक, मैं बताना चाहूँगा, बीच में आपको मैं रोक रही हूँ, एक इसी के संदर्भ में मुझे एक बात और एक ख्याल आ रहा है आपसे सवाल करने का,
कि कई बार ये तो बाहर जो हम जाते हैं तो लू लगने की संभावना है पूरी तरह से, ये तो है। कई बार घर में भी डॉक्टर्स ने ही कहा है कई बार कि घर में ही या तो जो सीलिंग फैन है उसकी इतनी गर्म हवा आती है उससे भी लू लग जाया करती है, मतलब घर के अंदर भी गर्मी के चपेट में हम आ जाते हैं। और सपोज़ कि अगर हम एसी रूम में हैं और एसी से हम बाहर जा रहे हैं, वो सडन जो टेम्परेचर चेंजेस आता है वो भी क्या प्रभाव डालता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैं ये बोलना भूल गया था कि आपको लू कहीं भी लग सकता है अगर आपके सपोज दैट आसपास का इन्वायरमेंट और टेम्परेचर सपोज दैट की काफ़ी ज़्यादा 40+ है सपोज दैट, तो आप अगर टॉप फ्लोर में रह रहे हैं या फिर आपका घर एसी नहीं है तो आप घर के अंदर भी अगर रहते हैं तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका एहसास तो होगा ही। आप फैन ऑन करेंगे, सीलिंग फैन, तो उससे गर्म हवाएं लगेंगी, बॉडी से जब वो हवा टकराएगी तो बॉडी को आपको जो डिहाइड्रेशन है वो आपकी बॉडी का वाटर को लॉस वाटर लॉस के बजाय और परेशान हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो आप जैसे कि सपोज दैट आप अगर घर में आपने एसी लगा रखा है और आप अचानक से एसी आप लो टेम्परेचर में बहुत देर से रह रहे हैं, अचानक से आप तेज़ धूप और तेज़ हवा में, गर्म तेज़ हवा में बाहर निकलते हैं किसी काम से, और तो बॉडी आपका एक्लिमेटाइज नहीं करता है और सपोज दैट कि वो टेम्परेचर का वेरिएशन है जो अचानक से वो बॉडी अडप्ट नहीं कर पाता है, तो भी उस समय लू लगने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे लोगों को बहुत जल्दी लू अफेक्ट करता है। मतलब ये भी हमें नहीं सोचना है कि घर के अंदर है तो लू नहीं लगेगा या गर्मी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। सावधानी अगर हमें बाहर बरतनी है तो घर के अंदर भी रखनी पड़ेगी। अगर वैसे लोग जो एसी में रहते हैं उनको अगर सपोज दैट बाहर जाना है, अगर उनकी गाड़ी एसी नहीं है या फिर ऐसे वर्क प्लेस पे या फिर बाहर में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पहले से पता है कि अभी धूप तेज है और हवाएं गर्म हैं, तो आप पहले एसी को बंद करके पहले बॉडी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद फिर आप बाहर निकलें। साथ ही आप भूखे पेट बाहर ना निकलें, आप पेट में कुछ फिट करके ही घर से निकले, कुछ भी खा कर निकले। आपको प्रॉपर वाटर का कंजम्पशन आपको गर्मी के दिनों में बहुत बढ़ा देना चाहिए। ठंडा पानी पीने में मना करता हूँ, फ्रिज का पानी से ज़्यादा अच्छा है आप नॉर्मल कोल्ड वाटर पिए, जो जैसे मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी या फिर नॉर्मल पानी रखा हुआ जो घर में ठंडा हो, मतलब प्राकृतिक रूप से जो ठंडक हमें मिल जी बिल्कुल जिस पानी से मिल सकती है बिल्कुल वैसा इस्तेमाल वैसा करना हाँ, है। तो जैसे ये तो सर आपने बताया कि हम खा के निकले, पानी भरपेट पी के निकले, लेकिन ये भी एक बात है कि जब हम धूप से आते हैं बहुत प्यास लग रही होती है और हम अचानक पानी पीते हैं तुरंत आते हैं, इसमें भी एक पॉइंट है कि जब भी आप धूप से आते हैं तो पहले आप अपने बॉडी को थोड़ा नॉर्मल होने दें। आप बैठें, कूल एयर के सामने बैठ जाएं जहाँ फ्रेश एयर हो, थोड़ा जो शेड हो जहाँ पे छाया हो, या फिर घर के अंदर जब बैठते हैं तो ऑलरेडी ठीक रहता है जी। तो वैसे में बॉडी आपका थोड़ा सा अडप्ट होता है, टेम्परेचर वेरिएशन को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तुरंत पानी बहुत तेज़ी से नहीं पीना चाहिए, आप अगर पानी पीते भी हैं तो सिप बाई सिप करके धीरे धीरे पिएं, और ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। वैसे में आप नॉर्मल जो कोल्ड वाटर है वो पीना चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए। और मैं बात कर रहा था कि जैसे कि इसमें कैटेगराइज करके एग्जैक्टली कि जैसे क्या क्या हम आम तौर पे लोगों में किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको लू का असर है या फिर गर्मी का मतलब असर किसका है, इलाज कैसे करना इसका है, इलाज कैसे करना है। तो हर एक स्टेज पे अलग अलग ये है। इसमें एक्चुअली सिम्प्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हम ज़्यादातर लोगों में ये देखने को मिलता है कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जैसे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है। स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो क्या होता है, सबसे पहले घमोरियाँ निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फॉरहेड में, नेक पे, आर्मपिट में, ऐसा पोर्शन बॉडी का जहाँ पे कि ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, वैसे जगह पर ये घमोरियाँ दिखाई देती हैं। तो हमें उसे ड्राई रखना है, ठीक है। हम वहाँ पे गर्मी में जो ठंडक पहुंचाने वाले पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जैसे कि उसको रैशेज भी बोलते हैं, एक्चुअली जी रैशेज भी बोलते हैं, वो तेज स्वेटिंग और इरिटेशन के कारण होता है अक्सर ऐसा। उसके बाद जी उसके बाद फिर अगर ये रैशेज के बाद अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिन में भी क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स का क्या रीज़न है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मसल्स में क्रैम्प्स और हेडेक वगैरह, ये आमतौर पे इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो मसल्स में उस साल्ट की कमी हो जाती है और उसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। आप ज़्यादातर फील करते हैं अपने पैरों में, अपने थाइज़ में, एब्डोमेन मसल में आपको ये थोड़ा सा क्रैम्प्स आते हैं। आपको थ्रॉबिंग हेडेक भी होती है जब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो ये कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं। मॉडरेट सिम्टम्स में की बात अगर हम करें
तो इससे ज़्यादा जब अगर लक्षण बदलती है, लू प्रभावित करता है, तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, तेज बुखार आ सकता है, आपको साथ में मसल क्रैम्प्स तो करेंगे ही, बॉडी एक तो होगा ही, साथ में आपको बहुत तेज स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग जब होती है तो वो अच्छी चीज़ है, इससे ये पता चलता है कि हम सीवियर कंडीशन में अभी नहीं गए हैं। अच्छा। जब जब ये मॉडरेट सिम्टम्स को हम क्रॉस करके अगर हीट स्ट्रोक की बात करें, जिसको डिफाइन करते हैं कि इस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें हम बोलते हैं कि जैसे कि उसका बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जो थैलेमस हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है, वो फेल कर जाता है, बॉडी को वो और टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है। वैसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉडी स्वेटिंग नहीं करता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है, वो काफ़ी हॉट और ड्राई होता है, फ्लैशेज होते हैं, रेड फ्लैशेज होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा बॉडी गर्म हो जाती है कि वो कन्फ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हैं, जिनको इतनी तेज़ लू का असर होता है। वैसे मरीजों को हमें कैटेगराइज करके और उसके हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग अस्पताल में ट्रीट करते हैं। माइल्ड सिम्टम्स वालों को हम लोग एक जनरल सिम्टोमेटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, जैसे लाइक हेडेक है तो उसके लिए पारासीटामोल, हम कुछ ORS पाउडर डिहाइड्रेशन के लिए, एंड मसल क्रैम्स एंड इन सब चीज़ों के लिए पेन किलर वगैरह ये सब एडवाइस करते हैं। उनको पतले दस्त वगैरह भी होने लगते हैं, वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उनको उसकी दवाइयाँ देते हैं सिम्टम रिलीव करने के लिए, साथ में डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए प्रॉपर एडवाइस एंड ORS का घोल पीने की सलाह देते हैं। साथ में जिनको सीवियर, जैसे कि मैंने बताया कि हीट स्ट्रोक का जब असर रहता है, या फिर जो फेंट कर जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, या फिर सिंकोप भी बोलते हैं, तो वैसे मरीज को हम एडमिट करके और प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि बॉडी को हम कूल डाउन करें। कूल डाउन करने की बहुत सारी प्रक्रिया है। सपोज दैट आपका घर से अस्पताल काफ़ी दूर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाइक से या साइकिल से, या फिर वर्कर ऐसे जो बहुत गर्म इन्वायरमेंट में काम कर रहे हों और उनको हीट स्ट्रोक हुआ है, सपोज दैट, तो वैसे व्यक्ति को हम कैसे मदद कर सकते हैं इमीडिएट। अस्पताल सपोज दैट की 10-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ ले जाने में टाइम लगेगा, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। बहुत कम समय में हमारा बॉडी का बहुत सारा पार्ट डैमेज हो सकता है। जैसे अगर टेम्परेचर 104 के आसपास हो, बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो, स्वेटिंग बंद हो गया हो, तो वैसे टाइम में हमारा ब्रेन डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, हमारी जो बहुत सारे इंटरनल विभिन्न अंगों को, मसल्स को भी वो जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर वो सीजर्स आ सकते हैं। तो वैसे लोग हैं, उनके आसपास जो लोग खड़े रहते हैं या फिर जो भी व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्ति को तुरंत एक ठंडे और खुले जगह पर उनको सबसे पहले लेटा दें। लेटाने के बाद उनको दोनों पैर को आप थोड़ा सा रेज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है सो ऊपर अपर पार्ट में थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे थोड़ी डिहाइड्रेशन से उसका जो लॉस हुआ है उससे थोड़ा मदद मिलता है। दूसरा, हमको बॉडी को इमीडिएट कूल डाउन करना है, तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे कि जितने भी आर्म फोर आर्म्स हैं, लाइक पैर हैं या फिर फॉरहेड है, चेस्ट है, उसको हम ठंडे पानी से कपड़ा भिंगा कर उसको हम पोंछ सकते हैं, या हो सके तो आप टब में उसको, अगर सपोज दैट आसपास बाथरूम है तो उसमें अगर लेटा सकते हैं तो लेटा दीजिए टब में पानी भर के। अच्छा। गर्दन तक पोर्शन को ऊपर रखेंगे, नीचे वाले पूरे बॉडी को आप पानी में डाल सकते हैं, आप झरना भी पानी का खोलकर उसके नीचे उसको काफ़ी देर तक रनिंग वाटर में रख सकते हैं। हमारा टारगेट होता है कि बॉडी टेम्परेचर को किसी भी तरह कूल डाउन करना है, कम करना है। उसके बाद फिर हम आप इमीडिएट उसको कोशिश करें कि किसी नज़दीकी अस्पताल में चिकित्सक के पास ले जाएं, वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, जैसे उसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, उसमें प्रॉपर डिहाइड्रेशन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सलाइन देकर उसको ठीक कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक जो उसको सिम्टम्स है उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लोग गर्मी में, मतलब खैर गर्मी है तो सावधानी हमें बरतनी होगी ताकि इसकी चपेट में हम ना आ जाएं और इस तरह की जो भी परेशानियां हैं वो ना हो। तो सावधानियों की बात अब हम डॉक्टर साहब आपसे करना चाहेंगे कि अब काम तो हमारा ऐसा है कि अब ज़रूरी है तो निकलना ही है। जैसे वर्कर्स की आपने बात की, हमारे गाँव घर में किसान भाई बहन हैं, उनको भी खेतों पर जाना ही होता है, मार्केट में कई लोग हैं, सब्जी विक्रेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिक्शो पुलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे काम है जिनको बाहर निकलना ही निकलना है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एक्चुअली जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना,
वो जो वर्कर्स हैं जनरली, जो आपने जैसे किसान की बात की, वर्कर्स की बात की, जो एक्चुअली बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, और उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने जिनका की ऐसा काम है बाहर में ही जी, बाहर में ही काम है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है, उनका स्ट्रेसनेस वर्क है जी, जी, जी। तो वैसे लोगों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आप गर्मी के दिनों में बिल्कुल लूज कॉटन वस्त्र पहने, कपड़ा जो क्लॉथिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बल्कि हैवी कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट कपड़ा पहने, लाइट कलर का भी पहने, डार्क कलर रोशनी को हीट को एब्जॉर्ब करता है जी। तो लाइट कलर लाइट वेट का ढीला कपड़ा पहने, टाइट भी ना हो। दूसरा, आप जब भी आप काम करने जाते हैं तो अपने साथ आप प्रॉपर पानी की बोतल और कैरी करें, समय समय पे उसको पानी को पीते रहें, पेट को हमेशा खाली ना रखें, मील को स्केप नहीं करना है, कहने का मतलब है आप फास्टिंग ना करें, आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप होता है ना कि हमने सुबह 8 बजे खाया फिर काम में उलझे रह गए और पता चला कि 3-4 बजे तक हम भूखे हैं फिर हम फेंट करके गिर गए, तो वैसे कंडीशन में आप खाना कुछ कैरी करें, फूड कैरी करें, अगर अपने वर्क प्लेस पे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, और साथ में जैसे कि जो बोलते हैं ना गर्मी में छाता यूज़ करना, सनग्लासेस यूज़ करना, ये सब कैरी करें, और यही सब मेजर्स रखना है। गर्मी में आप बोल सकते हैं कि हम वैसे फूड्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे लाइक तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं थोड़ा खाएं, तरबूज का सेवन आप बढ़ा दें, और घर में कोशिश करें कि प्रत्येक दिन अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप चीनी और नमक और नींबू का घोल जो शरबत बोलते हैं वो घरेलू बनाकर पी सकते हैं, आम का शरबत बनाकर पी सकते हैं आप, और भी बहुत सारे सत्तू वगैरह और लिक्विड, एनी टाइप ऑफ लिक्विड, जैसे आप नारियल पानी, फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, आप एनी काइंड ऑफ लिक्विड, आप लिक्विड का इंटेक गर्मियों में आप बढ़ा दें, जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। लू बोला जाता है ना कि हमारे घरों में आज भी जो हमारी दादी नानी है वो कहती थी कि अगर खा कर नहीं जाओगे तो खाली पेट में लू लगेगा ही लगेगा, तो आपका अगर पेट भरा हुआ है तो लू नहीं असर करेगा, कहने का मतलब है आपने अगर अच्छी न्यूट्रिशन ली है, आपके बॉडी में प्रोटीन की इंटेक अगर अच्छी है तो फिर आपको लू भी बहुत जल्दी असर नहीं करेगी। जी जी जी, दादी नानी बहुत कुछ कहा करती थी, अगर हम उनकी बात को मानेंगे अभी वो दादी नानी जो कहती थी ना वो अपने पूरे जीवन का अनुभव होता है उसमें, उन्होंने जो अपने जीवन में जो सफर किया है, कई बार उनको इन सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं और वो सच भी साबित होता है। बिल्कुल, और उनके अनुभव से हम सीखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, खाना पीना तो चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकता नहीं है, कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, किसी का जन्म होता है, मरण होता है, हम कुछ त्यौहार मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खाना ज़रूरी है, खान पान ज़रूरी है, लेकिन अगर लू लग जाती है, लू की चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ खाने पीने में परेशानी होती है, कुछ खा सकता है मरीज या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप में जो आपको जो लू लगा है तो सिम्टम्स आप में किस लेवल का है, आप माइल्डली अफेक्टेड हैं, मॉडरेटली अफेक्टेड हैं या सीवियरली अफेक्टेड हैं। आप अगर सपोज दैट आपको बस लू जस्ट छू कर गई है, बस थोड़ी सी असर हुई है, तो आप अपना खाना साधारण खाना खा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मॉडरेट और सीवियरली अफेक्टेड हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट डाइट उनको लेना है, ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ें लेनी है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं सेवन करना है, मसाले में जैसे गर्म मसाला वगैरह तो बिल्कुल भी उनको टच नहीं करना है। जो हमारा इंडियन फूड है उस फूड में अगर देखें तो आप सुबह में भी आप सब्जी यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स के साथ तो मसालेदार होती है, दोपहर में भी आप मसाला का यूज़ करते हैं, तो तेल और मसाला को अवॉइड करना है। सुबह में अगर मॉर्निंग में हम बोले तो बहुत ज़्यादा हो सके तो आप उसको लिक्विड और जो ताज़े फल और जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ पर ब्रेकफास्ट में जोर देना है। दोपहर में उसको ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ जैसे लाइक खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, आप उसको जो आसानी से हमारे जो लीवर पे जिसका भार कम पड़े, डाइजेशन ईजी हो, वैसे फूड हम प्रेफर कर ऑफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम दही का सेवन कर सकते हैं, दही हमारे पेट में ठंडक पहुंचाती है। फिर उसके बाद अगर रात की बात करें तो आप शाम में उसको कुछ लाइक फ्रूट का एक सिंगल फ्रूट का जूस या फिर आप कोकोनट वाटर ये सब दे सकते हैं। उसके बाद रात में लाइट फूड उसको दें। फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए,
फूड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी फूड दे रहे हैं, सपोज दैट लाइक कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लू से ग्रसित है, तेज़ बुखार है, वोमिटिंग हो रही है, हमने उसको रोटी सब्जी या फिर पनीर वगैरह खिला दिया, तो वो और भी ज़्यादा उसकी तबीयत उससे बिगड़ सकती है। बिल्कुल, आप ऐसे में फूड का चयन आप बहुत सही तरीके से करें। बिल्कुल, और कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है कि किस तरह का खान पान होना चाहिए, तो वैसे में हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हमारे बीच डाइटिशियंस होते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं कि किस मौसम में और किस हालत में किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए। बच्चों के लिए कुछ आप खास कहना चाहेंगे? हम सब दिन ये सुनते आए हैं कि ठंडी के दिनों में हमारा जो पाचन शक्ति है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, और गर्मियों में बोला जाता है कि कम खाओ ज़्यादा पियो, तो गर्मी के दिन में हम कोशिश करें कि भोजन कम से कम लें और लिक्विड चीज़ें हम ज़्यादा लें, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स भी अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर उनको फूड दें, बाहर का फास्ट फूड वगैरह नहीं दें, गर्मी में बहुत जल्दी ये सब चीज़ें असर करती हैं। आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर उसको पानी या कोई भी लिक्विड डाइट लाइक जैसे उसको फ्रूट जूस हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, नारियल पानी हो गया, या फिर कोई भी आप ताज़े फल का जूस उसे ऑफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो घर में ग्लूकोन डी रख सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे फ्लेवर में अवेलेबल हैं, बच्चों को जो पसंद हो थोड़ा थोड़ा उसको ऑफर कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उसको जी देते रहें, दे सकते हैं। ये ऐसे देते रहने से उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो लू का असर कम होगा, वैसे व्यक्ति को लू लगना मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी बातें बताई, सबके लिए कुछ ना कुछ कहा है, तो अब चलते चलते कुछ आम लोगों के लिए मैसेज देना चाहें इस मौसम में? तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अदरवाइज तेज़ धूप और जब गर्म तेज़ हवाएं चल रही हों तो कोशिश करें कि वैसे टाइम में हम अपने आप को सुरक्षित घरों में रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, मतलब ज़रूरत हो तभी निकले, अदरवाइज़ घर में ही अपने आप को सुरक्षित तरीके से रखें, सही खान पान लें, तो हम इस मौसम में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां हमसे दूर होंगी। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।